हर जगह के हिसाब से उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना जॉब में कोई नोटिस जॉब वगैरह में अगर सेल्समैन होगा ना तो उसी रीजन का होगा। जैसे राजस्थान में अगर सेल्समैन रखना है तो राजस्थान के रखेंगे, ऑलमोस्ट उसी एरिया के रखेंगे। क्यों? वहां की लैंग्वेज उन सबसे वो कनेक्टेड है। लेकिन वहीं पर जो ऑफिस वर्क होगा उनको वहां से दूर भेजेंगे। ऑफिस वर्क होता है वहां पे राजस्थान के बंदे को चेन्नई, चेन्नई के बंदे को झारखंड, झारखंड के बंदे को राजस्थान भेजते हैं। क्यों? पर सही एग्जांपल, सही चीज रीजन है, नोटिस करना। हर कोई अपने उसको अपने एरिया से दूर भेजने की कोशिश करता है। अरे दो रीजन है, पहला अपने एरिया में रहते हुए हर इंसान शेयर हो जाता है, दूसरी बात अपने घर से इन चीजों से हर बार छुट्टी चीज फलानी चीज निकान चीज बाहर रहेगा छुट्टी किस चीज की, रोज आना जाना उसको भी नहीं पोसाएगा, छुट्टी मांग के जाएगा कहाँ जाते हैं। तो ये सारे मतलब प्रैक्टिकल रीजन है। उसी तरह से हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, हर एक लैंड की अपनी प्रोडक्टिविटी है। आप राजस्थान की जमीन के ऊपर चावल एप्पल ये नहीं उगा सकते क्योंकि वो हमारे उस चीज से बनी नहीं है। उसी तरह से आप वेस्ट बंगाल या इधर इन साइड जाके बाजरा वगैरह नहीं उगा सकते हो, मोट हो गई ना। हर एक लैंड की अपनी प्रोडक्टिविटी है तो कहाँ पे किस चीज को उगाना सही रहेगा। अब आलू ये ऐसी चीज हो गई जो आप कहीं पे भी उगा सकते हो, पर एटमोसफियर कहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या उगाना चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर ना पहला पॉइंट होता है आपको किसी एक ही चीज के लिए टेस्ट करना है, या तो जमीन के लिए या प्रोडक्टिविटी के लिए, किसी एक चीज के लिए टेस्ट करना सबके लिए नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिसकी आपको कैलकुलेशन करनी है वो आपके कॉलम्स में होना चाहिए, ठीक है। जैसे X1 ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला आएगा वो आएगा करेक्शन फैक्टर, शॉर्ट में फॉर्मूला है T²/N। अब समझना इनकी मीनिंग समझ जाना, क्या समझ, ये जो वैल्यूज होगी ना, जैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे σ X1 σ X2, और ओवरऑल जो वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल पूरे टेबल के अंदर ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एफ करेक्शन फैक्टर फॉर्म T²/N। टी का मतलब है ग्रैंड टोटल, मतलब सर जो ओवरऑल टोटल है पूरी टेबल की वो क्या हो जाएगी टी, और एन का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ओवरऑल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। पहला पॉइंट खत्म, दूसरा आ जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर SST, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल
सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स टू का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स थ्री का स्क्वायर माइनस, ठीक है, सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर जितने भी वैल्यूज उनका स्क्वायर माइनस जो आपने करेक्ट फैक्टर निकाला होगा। फिर पॉइंट नंबर थर्ड, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम, दैट मींस एसएससी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन में एन वन, एक्स टू का होल स्क्वायर अपॉन में एन टू, एक्स थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में एन थ्री माइनस एक्स। अब समझो एक्स इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों फर्क क्या है, एक्स वन का स्क्वायर और एक्स वन का होल स्क्वायर फर्क क्या होता है, सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर और सिग्मा एक्स वन का होल स्क्वायर फर्क क्या है, सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर है ना, तो एक्स वन की जितनी वैल्यूज है उन सबका स्क्वायर करना है उन सारी वैल्यूज का, और उसकी जो टोटल होती है उसको बोलते हैं सिग्मा एक्स वन का सिग्मा एक्स वन का स्क्वायर, ये तो हो गया सिग्मा, और जो सिग्मा एक्स वन नॉर्मल है उसका होल स्क्वायर ही, एक बार समझे दोनों फर्क इतना है। और यहाँ पे एक और है स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होता है हर एक कॉलम की जो नंबर ऑफ वैल्यूज उसे बोलेंगे स्मॉल। फिर मैं वही बता दूं जो 20 मार्क्स में गारंटीड, एक तो होता है शायद, एक तो होता है शायद और एक होता है कंफर्म आएगा ही आएगा, तो दोनों चैप्टर कंफर्म आएंगे, मतलब स्टेट्स में तीन चैप्टर कर लो गारंटी तीनों से कोई दो क्वेश्चन आएंगे आपके गारंटी, दो नहीं तीनों आते वैसे, एक जो अभी पहले कर रहे थे वो, दूसरा ये तीसरा था कैरेक्टर, तीनों अपने आप में इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है। चौथा नहीं आपके तो यूनिट वाइज है ना, आपके हर चार चैप्टर का ब्लॉक है, इनके तो चार चैप्टर है चार पूरे तीन यूनिट में और आपके चार चैप्टर एक यूनिट नहीं टू, ये तो कब हो गई ओवर वाली सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन एरर एस एस ई इज इक्वल टू, ऊपर निकाला था अपन एस एस टी, देखो एस एस टी माइनस ये जो क्या निकाला एस एस टी पर्टिकुलर कॉलम, तो अतः में क्या करना है दूसरा माइनस तीस का, ठीक है, और फाइनली बनती है एनोवेटेबल बिटवीन कॉलम बिटवीन तो देखो यहां तो आ जाएगा आपके सम, सम में क्या जाएगा एस एस टी एस एस ई, यहाँ आ जाएगी डिग्री, डिग्री में आ जाएगा यहाँ पे एन माइनस के, के का मतलब ये मंजे नंबर ऑफ कॉलम, और हो जाएगा
के माइनस बड़ा वाला है ना पर कैपिटल और ये के माइनस 1 बटा और कितने क्या क्या मैसेज लिखते हैं ठीक है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन क्या होगा MSC इज इक्वल टू SSC अपॉन में n माइनस k और MSE बराबर SSE अपॉन में n माइनस k माइनस 1 मतलब कुल मिलाकर इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये, मतलब सम डिवाइड बाय डिग्री f टेस्ट का हो जाएगा MSE अपॉन में MSE या MSE या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, कुल मिलाकर बड़ा अपन छोटा रखता है, ऊपर बड़ा आएगा नीचे छोटा, तो ये चीज ठीक है नहीं पॉइंट में जाएगा पर बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी जिसका। अब देखो समझो MSC बड़ा है ई छोटा है, सी बड़ा है ई छोटा, तो सी अपॉन में ई हो जाएगा, नहीं तो ई बड़ा है तो ई अपॉन में सी हो जाएगा ठीक है। ये वापस देख लो, पहला आता है CF फ्रैक्शन फैक्टर, टी स्क्वायर मतलब n टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ n, फिर SST सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेना है माइनस फ्रैक्शन फैक्टर, SST सिग्मा एक्स वन को होल स्क्वायर अपॉन में एन वन टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर माइनस करना है, फिर सेकंड माइनस थर्ड कर दो तो एस एस फोर्थ स्टेप आ जाएगा टेबल में, जैसे क्वेश्चन देखा जाए फीस दी थी मतलब बंद करूंगा आज चिरोदा में पूरा रह गया दूसरे किसका है मेरे लिंक से बुलाना तो लिंक भेजो चिरोदा में आप ट्रेडिंग का करते हैं ट्रेडिंग करते हैं द टेबल बिलो गिव्स द यील्ड इन क्विंटल्स of four plots, each of three varieties of wheat. चार प्लॉट है और चारों में बीज की वैरायटी देते हैं ना, इज देयर कुछ नहीं तो यील्ड है यहां से पढ़ने में, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन यील्ड ऑफ द थ्री वैरायटी, आपको कैलकुलेशन करनी है सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालने किसके लिए, केवल वैरायटी केवल वैरायटी मतलब क्या हुआ वन वे टेस्ट हुआ, अगर ये बोलता बिटवीन प्लॉट एंड वैरायटी तो प्लॉट एक हो गया और वैरायटी क्या होती दो, तो टू वे टेस्ट होता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता, यहाँ पे क्या बोल रहा है केवल थ्री वैरायटीज का, तो मतलब क्या हुआ वन वे टेस्ट, वन वे टेस्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन अरेंज कर देते पहले आगे बढ़ा दो Yeah.
तो वैल्यूज क्या क्या दे रखी थी अपने को 10, 6, 7, 9 ठीक है, फिर 9, 7, 7, 5 फिर 4, 8, 6, 6 ओके। अब क्या करना है, इनकी टोटल लगा दो, अब क्या करना है, कॉल करो आराम से। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, करेक्शन फैक्टर टी स्क्वायर, मतलब ग्रैंड टोटल कितनी है 84 का होल स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी, 4, 8, 4, 12 जो 84 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12 आपका ये पड़ा मेरे, अरे अंदर क्यों ना बोले ना 580। दूसरा क्या था, SST सिग्मा x 1 का स्क्वायर, सिग्मा x 1 का स्क्वायर, x 2 का स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर निकालो। आप जितनी भी वैल्यूज है, जैसे x 1 का स्क्वायर 10 का क्या आएगा 100, 6 का 36, 49 करो टोटल तो करनी पड़ेगी, 8, 5, 13, 130, 276 x 2 का स्क्वायर 81, 49, 6 का स्क्वायर 16, 64 x 1 का स्क्वायर 36 सिग्मा x 1 का होल स्क्वायर अपॉन में स्मॉल n1 x 2 का होल स्क्वायर अपॉन में स्मॉल n2 x 3 का होल स्क्वायर अपॉन में स्मॉल n3 ठीक है। तो सिग्मा x 1 कितना है 32, एक्स वन का स्क्वायर कितना 32 और इसके अंदर पहले कॉलम में टोटल वैल्यू कितनी है 4 प्लस एक्स टू का स्क्वायर 28 उसमें 4 वैल्यू थी और एक्स थ्री का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर अपन में 4 और एक्स फैक्टर कितना है 588 करो 32 का स्क्वायर अपन में 4 फिर नेक्स्ट क्या था, SSE 32 आया 32 से
36 माइनस 8 28। बस अब तो क्या करना है, टेबल बनानी है। अपन ने तीन कॉलम का क्वेश्चन करा लास्ट टाइम एग्जाम में, दो कॉलम का आया था, अभी जो एग्जाम होगा दो कॉलम का क्वेश्चन आया था 20 नंबर है, चार तक है, तो बता रहा हूँ कि 20 कॉलम बढ़ सकते ना। बिटवीन कॉलम, बिटवीन एरर, ठीक है। तो सम कॉलम में SSE, एरर में SSE, सी कितना था 8, ई कितना आया 28, फिर डिग्री, डिग्री में क्या था n माइनस कैपिटल n कितने थे, देखो कैपिटल n टोटल वैल्यू कितनी 12 माइनस नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, नो और यहाँ पे k माइनस 1, तो 3 माइनस 1 मीन डेविएशन MSE बराबर SSE 8 अपॉन में 9 9 तो ना, और MSE SSE अपॉन में k माइनस 1 दैट इज 28 अपॉन में 2 ठीक है। और अरे यार कर रहा है खड़ा तो क्या हो गया, कल लेट हो गया रात को 9 बज गए, आज तो आप 9 बजे लेबर उसके बाद क्या काम करेंगे, आज तो आज, अरे आज तो घर पर आप दस पार्ट क्या कर रहे हैं, तो उल्टा कर देना अपने सब जगह पे हाँ पूरा उल्टा कर दिया, तो कह रहा हूँ क्या ध्यान यहाँ पे है बी माइनस वन एन माइनस एन के माइनस वन मेरे को पसंद नहीं है, तभी तो इस पे तीन माइनस एक उसके तो हो गई कटा एन एन कितने हैं, एन आए थे अपने 12 माइनस 3 कॉलम नंबर कॉलम 3 है ना 4 एफ एस क्या हो जाएगा बड़ा अपॉन में छोटा एम एस सी अपॉन में एम एस ई क्या हाँ यहाँ टाइम टेबल कब तक आएगा भैया, 10 दिन बाद यार तुम्हारा तो टाइम है, कितना टाइम है, जुलाई पहले पेपर नहीं है, जुलाई से पहले नहीं, तुम्हारा जुलाई सेकेंड वीक में होंगे हाई, जल्दी में जल्दी करो केरला में टिकट तो चलो आपको आया समझ में, हम बाहर जा रहे हैं इसके बाहर जा रहे हैं दस दिन से 5 दिन से हाँ शिवानी कर दिया मैंने चलो मैं कर रहा हूँ ये बताओ ना लास्ट वाला एक्सप्रेस अरे तू बड़े से छोटा 4 3 दोनों बड़ा कौन सा 4 बड़ा है ये दोनों है बड़ा अपन छोटा आएगा बच्चे का जुलाई सेकंड वीक में